उछा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन टू, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलन्स एंड वीट। आधी रोटी दे, आधी रोटी दूं? दूं या मिल गई? मिल गई। अच्छा, मैंने आधी रोटी मांगी लेकिन उसको वहीं मिल गई उसी वक्त। सबके, वेयर इज माय पराठा? इट्स कॉमन। अली भाई आपको चाहिए रोटी? नहीं ब्रो। दानिश भाई? नो। अरुबा? जनेद? नो। शायद थोड़ी देर। ऐसे एक लम्हे में ख्याल आया कि अगर कल चला गया तू तो स्टोन ने तो हिला के रख दिया यार। छह हफ्ते पता नहीं क्या क्या किया लेकिन इस तमाशा से बहुत प्यार हो गया, जुड़ गया हूं इससे आप लोगों से बहुत सालों के बाद। कॉफी डाली मिल जाएंगे? कॉफी बच गया, आपकी कॉफी भी सही है। पर अब मैं ये करूंगी कल। क्या करूंगी कल? मैं माफ कर दे, सुबह तो वैसी कॉफी मिलनी है मुझे तो बहुत ज्यादा है ऐसी फ्री में। क्या क्या मैंने? थैंक यू फॉर द पराठा। वो अच्छा ताड़ के गई थी कि रखा हुआ है चूल्हे पे? मैं बताती हूँ, मैंने उठाया और मैं ले आया। पता है क्या थी? मैं वहाँ गया तो उमर ने कहा, जब नताशा ने कहा मेरा पराठा खाए, उसने कहा अभी बस अभी आ रहा है। उसने कहा नहीं, जो तवे पे था वो कहाँ गया? उमर ने मुझसे पूछा कहाँ गया, मैंने कहा उसका हाथ रुक गया था, उसका हाथ थोड़ी रुकूंगा। खुश की थी किचन क्वीन बनके, ये तो चेक करो भाई, अगले हफ्ते भी नहीं लेना काम, चिल करो तुम, तुम्हें खाना सर्व हो रहा है, चिल करो। हाँ मैं चला जाऊँगा तो सर्व नहीं होगा फिर? लेकिन जो तुम ये करते हो ना क्यूट क्यूट, ये लगता है अपना, ये वाला ये नहीं करता, ये हरी मिर्चें खा खा के मुझे लगाते हैं। असल में वो इतना आगे सोचता भी नहीं है, मैंने उसी पे सुन लिया था, जैसे ना मेरा दूसरा पराठा, मैंने कहा यार तुम मेरे पक्के वाले मेरे को, मुझे समझ में आ जाता है कि ये एक हफ्ते पहले वाले ट्रैक पे दोनों आ चुके हैं मैं वापस, क्योंकि वो पॉजिटिव वे में रह ही नहीं पाएंगे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। अरुबा ने कहा है कि मैं तो चिकन ही खाऊंगी क्योंकि मुझसे नहीं ये सब खाया जाता है, ये क्यों भूल गई है कि ये हम पिकनिक पे नहीं आए हुए, तुम अपने टास्क की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? नताशा को अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकालो और ये सोचो कि बादशाह सलामत ने ये टास्क दिए हैं। सही बात है नताशा, वो सब देख रहे हैं और हमें भी पता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ये अरुबा के सामने भी कह दूँ कि यार कि अगर चलो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से ही अपनी बकौल उसके जो उसने बोला कि आपकी वजारत तो अभी ख़त्म हो चुकी है, आप वज़ीर ना बने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप किचन के मामलात में ही आप अपनी बोलती हूं, हाँ, बस बोल रही होती हैं। अगर कोई एडवाइस देनी हो या कुछ करना, अगर मैंने दो दफ़ा बोल दिया कि किचन का शेल्फ गंदा है तो प्लीज़ बर्तन हटा लें, हाँ। जब मैंने दो दिन से वो भी नहीं बोला हुआ क्योंकि मैंने देख लिया वो अपनी, क्योंकि ये वज़ीर का प्रॉब्लम है गंद पड़ा हुआ, वो मुझे देख के अजीब मुझे उलझन होती है तो मैं बोल देती हूँ। और अब तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा किसी भी चीज में, मैं नहीं पढ़ने वाली, हाँ पढ़ना ही नहीं है, कहना ही नहीं। आपकी वजह से अगर टाइम पर कोई एक ने भी नाश्ता नहीं किया या खाना नहीं, हाँ, खाया तो वो मेरे पे आएगी, तो आपको आइडिया है इन लोगों के सामने आएगी ना, बाहर लोगों के सामने, बाकी हमारे जो फैंस और व्यूवर्स हैं उनके सामने तो नहीं ना, क्योंकि उनको तो नजर आ रहा होगा कि इसको फेल करने की कोशिश की जा रही है। कल तुम्हारी वजारत जा रही है, मैं देखती हूं वजारत हटने के बाद क्या बता, मैं टास्क दोबारा जी, तुम वजारत हटने के बाद रूपा सर पीटेगी अपने लोग बगैर पूछे कॉफी और दूध ले सकते हैं तुमसे, और मना कर दिया ना, अभी एक कप दूध मांगा कि मैंने रोटी का कुछ बनाना है, मैंने मना कर दिया। फिर उसने चाय बनानी थी बना ली, फिर उसने कॉफी डालनी थी, चाय बनानी थी यार, ये क्या चीज है यार, उसने खाना नहीं खाया यार।
उसे खाना नहीं खाया तुम्हारे हमारे अच्छा ठीक है मैं भी कल खाना नहीं खाऊंगी फिर मैं जो मिल जाएगा बना हमारे लिए रोटी उसने बनाई है सुना आपने कल भी ठीक है ओके फाइन कल मेरी बदारत जा रही है तुम रात में बना ले नहीं मैं दिन सुबह दिन में ही करूंगी जो करेंगे या अल्लाह खैर या मेरे मालिक अच्छा वो भी पगली बना चुकी थी वहां बैठ के पी ली थी उसने यहां लाके पिए उसने खाना नहीं खाया उसने कॉफी भी तुमसे पीछे बगैर डाली अबे तो क्या हो गया तो फिर ये रिपोर्ट करेगी ये देखे चार दाने डाल रही हूं कॉफी नहीं डाले भाई उसको हर चीज पे टोकना मुझे ही होता है मेरे सामने उसने दूध मांगा इसने कहा एक आधा कप दूध नहीं मिल सकता सॉरी मतलब मुझे ना अफसोस हो रहा है जुनेद ठीक हुआ वह दोबारा रिवर्स हो गया कल के टास्क के बाद तो तुम थोड़े थोड़े दिन तो पॉजिटिविटी में गुजार लेते तो कुछ दिन बाकी रह गए थे तुम फिर उसी खारबाजी में आ गए हो मतलब अभी कल हम रोटियां बना रहे थे तो हमने एक रोटी बनाई उसके बाद फौरन अरूबा के पराठे बने हाँ तो मैंने भी यही बोला मैंने कहा चलो खैर कोई मसला नहीं अरूबा को हमने पराठे भाई हमारा तो यही है ना मकसद कि सब एक एक करके जिनका बन रहा है वो एक एक करके खाना खा लें लेकिन इस घर में अब उसको हौका इतना है माशाल्लाह से माशाल्लाह खाने का कि उसने आज एक्स्ट्रा अंडा भी बॉयल कराया कि मैं खाऊंगी तो वो दोबारा उसी पर आ गई हुई है ना वो जान के क्या मैं अल्लाह माफ करें देखिए नताशा वही वाली बात है कि अगर अगर किसी भी एक्स्ट्रा अभी तो चले अंडा बॉयल हो गया लेकिन किसी भी अपनी मर्जी का खाना बनवाने पर अगर किसी एक का भी नाश्ता या खाना रह गया बड़ा मसला होगा सबके लिए हो जाएगा तो ना वो सबके लिए होगा आपके लिए मेरे लिए जुनेद के लिए सबके लिए वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ी जेंटल होगी थोड़ी मेंटल होगी स्टड मेरे जैसा हो तो हैंडल होगी कोई हूर होगी आओ मंजूर होगी एक बल भी आंखों से ना दूर होगी ओ बन के मेरी हीर तकदीर जो मिल जाए राजा मैं बन के मिला बेबी हो ऐसी जो लव यू कह गए शर्माए मैं लुक देंदार वहां नौ मिनट इसको दे दे क्या करूं इसको पकड़ा दे ये पकड़ लो ना क्या करना है पकड़ अबे आप तो चेंज करें दे इसको नहीं कर दूं प्रेस पूरा मैं कर दो यार मुझे कर दो अल्लाह की कसम हां हम तो कर दो क्या बोलूं अच्छा माइंड बॉगल हो गया दोस्तों चलो भाई आ जाओ सारे कौन नहीं है यहाँ पे अरूबा नहीं अरूबा तैयार नहीं हो रही अरूबा को बुलाओ यार वो अच्छा उसमें तुम ये बना रही हो इसका मतलब है कि बाकी नहीं है पानी किसने निकालो अरे एक ही लड़की मिसिंग है बाकी सब है हम लोग और क्या साथ खड़े हैं ये रही अरूबा हो गया अनिश भाई घुट गई अंदर उसमें पानी नहीं घुट गई चेक करो पानी फुल भाई मेरे हाथ से हो गया प्लेट सही है इधर मुझे अरे अंडे वाला चम्मच आपके पास है दीजिए अरुबा प्लेट प्लेट यार जुनेद अभी मैं नहीं जा सकती किसी से बिल्कुल मीत अब बताओ प्रॉमिस मेरी बिल्कुल एक लाइव लड़की का है मर्डर मैं पूरी रात जागती रही हूं आई एम नॉट वेल मैं नहीं जा सकती कसम से मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है मैं बैठ ही नहीं पाई मेरी कमर अभी मैं कहूंगा टास्क है ये अरूबा की मैं नया रूप देख रहा हूं ऐसे फुर्ती के साथ मैंने कल वो जो बजट टास्क खेलने की कोशिश की है ना आए थे उसकी वजह से कुछ इतना तो ऐसे था हल्का वो आज तो क्या पता मेरा आखिरी दिन हो आज तो बोलने दे नेहरू अभी क्या पता कि बाद हम कुछ भी लगा सकते हैं तो इसलिए चुप रहे ये हो गया लवली आज तो तू बहुत येलो पाल है ऑरेंज ऑरेंज टाइप येलो
मैं तो रात भर तबीयत ऑफ रही है, पूरी रात वॉशरूम लगे वॉमिट आ रही है, फिर स्टमक अपसेट हो गया। ये देखिए यार, सॉरी यार, मैंने दोबारा भी पी है, यहां तक मेरी दोबारा पी थी ना कॉफी। हां ज्यादा निकली, उम्र के लिए भी पी बनाई है उसने। अच्छा अलग से नहीं, अपनी शेयर की थी उसने। नहीं नहीं, बाद में एक दिन दो कप भी बनाई है ना। अच्छा ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। बाकी बस फिर अब मेरे ख्याल में, क्योंकि एक बॉटल में से चार दिन से आई हुई है, तो मेरा तो आज चौथा चम्मच। मैं तो आज हाथ भी नहीं लगाया चार दिन, मैंने भी तेल गरम होने पे मैंने लगाया ये चाय बन जाए तो मैं इसको इधर रखूंगा ना, ये तो नहीं। लेकिन अगर बाकी नहीं तो फिर सबके वो सही बात थी, उस दिन ही आप दो दो चम्मच सारे फॉल में अलग कर देते फिर। नहीं तो जिसको पीनी थी उसने निकाल ली, क्या हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं लोग, कोई ज्यादा जैम खा ले, कोई ज्यादा वो खा ले, बराबर बराबर थोड़ी होती है हर चीज। थ्री जो है ना वो मैं फॉइल पेपर में, और हर किसी को नहीं पीनी थी, अली के हिस्से की पी है। हाँ ना, तो क्या हुआ है? अली ने बोला था अली के हिस्से की ले सकती हूं। तो क्या हुआ? हाँ ना, बस नहीं दे दो मेरे हिस्से की नेहू को यार। ब्राउन है ये, तो बहुत ही कच्चा है। तीन चम्मच तो एक बंदे को दे दी जाएगी भाई। इश्क मेरा दर्द मेरा तूने मेरी जाना कभी नहीं। ए रूबा छोड़, क्या बंद करो यार, 50,000 रुपए गए। नहीं गए, बंद कर दे। बंद कर दिया, आ जाओ। ठीक है, कौन है ये? कपड़े इस्त्री कर रही है। व्हाट हैपेंड? कपड़े इस्त्री कर रही है अपने। हाँ जी, कर सकते हैं? नहीं कर सकते रूबा, मेकअप नहीं कर सकते, रेडी नहीं हो सकते, कपड़े नहीं कर सकते रूबा। 50,000 रुपया बजाना पड़ेगा। ये 3 दिन पहले जब वीक स्टार्ट हुआ था, 6 दिन पहले सॉरी, सिर्फ एक ड्यूटी चेंज हुई है, वो बर्तन की। और वो भी इसने चेंज नहीं की, उसने कहा मैं नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से की है, मैं करूंगी ही नहीं। ये वही वाली बात है, ये क्यों खड़े हो गए यार? हो रहा है वो बेचारा अच्छा बनने के चक्कर में अपने कहीं पांव पे कुल्हाड़ा ना मार ले। व्हाट्स द पॉइंट? आप देखें, बीइंग अ वजीर, आपने कमरा थोड़ा सेट कर लिया, वैक्यूम कर लिया, बर्तन डजंट सूट यू, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले दिन से आपने वो चीज़ साइन की थी और उसको उसी पे नहीं चले। और चलो एक दिन हो गया। नहीं लेकिन और वो, अब वो बहुत मुश्किल वाली नहीं थी रहने की सिचुएशन, और उसने वो वजीर से करवाना शुरू कर दिया। वो अरूबा को भी असाइन नहीं कर सकेंगे, वो मानती ही नहीं है दोनों। सुबह जो है तुम बर्तन धो, वो खुद खड़े हो गए, उसको पता है उसको खुद ही करना होगा, क्योंकि वो दोनों करना ही नहीं चाहती काम। अब वो आराम से अपना टाइम लेके ये वो, फिर वो आराम से वैक्यूम शुरू करेंगे। अरे वो तो एंटरटेन हो रही थी उसने, तो उसके लिए यार ये तो फिर वीर की वीक होना हुआ ना कि आप अपना करा ही नहीं सके। हाथों की हालत हो गई है आज तो। यार आप क्यों लो? अभी मैं आपसे बैठा हुआ कि यही कह रहा था ना, मैंने कहा यार मुझे उम्र तो ऑलरेडी इस बात पे बोल रहे हैं, तीसरे दिन चौथे दिन अभी मैंने कहा 5 मिनट्स है काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर यही होता है असल बसल हो जाती है, मैं भी नहीं कर सकती, वॉशरूम सही नहीं। मैंने कहा वॉशरूम से वैक्यूम का क्या ताल्लुक है? मैंने कहा कि वो शाम तक सही नहीं होता। फिर बोलो आप करो, क्योंकि उम्र को यार ये तो वजीर हैं आप, आपकी तो ड्यूटी है। मैंने कह दिया 5 मिनट आपका, आई मीन मैंने कह दिया 5 मिनट कि मैंने मॉप करना है और वो वैक्यूम स्टार्ट कर दे। अच्छा वो फिर आज फिर उसने प्रोवोक, क्योंकि बात तो मैं जुनैद से कर रही थी, जुनैद को एक्चुअली मैं ये कह रही थी, जब मैंने कॉफी खोली ना तो उसमें से 3 से 4 चम्मच अंदाजन मुझे लगा कि नहीं है,
तो मेरे सामने इसने एक ही दफ़ा पी थी, तो मैंने जुनेद से कहा, मैंने कहा जुनेद ये कॉफ़ी मुझे 3-4 चम्मच कम लग रही है, ये शुरू हो गई। वो जुनेद ने एक्चुअली मुझे जवाब दिया कि नेहा ने 2 दफ़ा पी है ना, और फिर उमर को भी बना के दी है और ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, और ये शुरू होगी? इसने कहा लो भैया नताशा शुरू होगी। आप मेरा इतना दिल तोड़ चुकी हुई हैं कि मेरा तो अब हर्ट ही इतनी हो कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं आपको गुस्से में भी किसी बात का जवाब दूँ। सीरियसली नहीं नहीं कोई कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर का फजूल में। अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है बेचारा कि उसका लास्ट डे है और बस सब अपना काम करके और जितना उस वो कर सकता है वो काम कर रहा है, और घर का माहौल ख़राब ना हो, तो क्योंकि वो तो अपनी तरफ से ये चाह रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी बात हो और फिर मैं रोज ही करती है। मैं बाथरूम में जाती हूँ, अगर ये ऑलरेडी बाथरूम में हो या बाद में आ जाए तो मेरा बाथरूम यूज़ करना अजाब हो जाता है भाई। वो रात के रात के अंधेरे में बर्तन धो रहा है, सुबह उठ के काम असाइन किया हुआ है, वो सुबह उठ के पूरा किचन साफ कर रहे हैं, उसका उसकी ड्यूटी थोड़ी है यार। तो यार ये तो उसको समझना चाहिए। मैंने उसको खुद बोला जुनेद को, मैंने कहा तुमने नताशा की वजारत में, तुमने अली भाई की, उसमें तुमने इतना काम नहीं किया यार, सब काम डिवाइडेड था। मैंने कहा उसके क्या नाम है, उसको अपनी वजारत का इस्तेमाल करना चाहिए था यार। वजारत का इस्तेमाल ये नहीं है कि आप जेल में डाल दो, वजारत का इस्तेमाल है आप अंदर अपना बताएं कि जी मैंने पहले दिन जो ड्यूटी दे दी है वो करें पूरी। रूबा टेबल साफ करनी है। मैंने टेबल साफ कर दी है। ये टेबल साफ है दानिश भाई? आपने टेबल नहीं साफ की है? दानिश भाई का काम नहीं है। दानिश भाई मैं टेबल नहीं साफ की, डर्टी है, दोबारा करो। की है ना, इसको बता दो। नहीं नहीं साफ नहीं है। अरे और क्या, रूबा 5 मिनट्स हैं, टेबल साफ होनी चाहिए। सुनिए मैं टेबल साफ करके नहीं है, साफ मुझे नजर आ रही है यहां से, आप देख लो आके, मेरी जगह आके बैठो और देख लो, 5 मिनट्स हैं, टेबल सही साफ चाहिए। दो दो लोगों ने टेबल साफ किया, अभी टेबल साफ नहीं। टेबल साफ चाहिए, हल्का सा गीला कपड़ा लो वो लगा दो। तो फिर रात में भी करवा दिया करो ना, ये दो टाइम तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ वो एक टाइम नहीं होती ना, तीनों टाइम मैं ही कर रही हूँ। दो टाइम क्या, 3 टाइम चल रही है। हल्का सा गीला कपड़ा लो, पहले झाड़ने दो मुझे। ये चीजें डालो आगे से, बॉक्स वगैरह जितने भी पड़े हुए हैं, बहुत कचरा पड़ा हुआ वहां पे, वो ट्रे हटाओ। सबर करो, जाके एक दफा उसे करके दिखा देना कि इतनी साफ चाहिए। अगली दफा से वो कर देगी। अगली दफा ट्रे के सामने बहुत कचरा पड़ा हुआ है, जो मुझे नजर आ रहा है आओ आकर बताओ कहाँ पे मैं हटा। दोबारा करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूँगी दोबारा, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, अजीब बात है। दोबारा करनी पड़ेगी, ये ट्रे जेल में डाल दो। मैं ये जेल वाले नहीं सुन रहा ये वाली बातें, दोबारा करनी पड़ेगी। डाल दो, मुझे नहीं नजर आ रहा तो मैं देखती, नजर नहीं आ रही तो वो मैं नहीं कर सकती। दोबारा जो नजर आ रहा है वो कर रही हूं। That's not my problem. And that's also not my problem. That's your problem. That's your duty. And you have to do it. आपको नजर आ रहा है ना, आप मुझे बता दे, आप आए और आके मुझे बताएं कि मुझे नजर नहीं आ रहा। That's not my problem. मुझे नहीं आ रहा। रूबा, that's not my problem. भाई मैं नहीं कर सकती। That's your duty. आप सजा दे दें इस बात पे, अगर आपको लगता है कि मैं गलत जानबूझ के कर रही हूं तो आप सजा देते मुझे, बस। You have to do it. No, I don't. That's not my duty. आप मुझे बता दे आके, मुझे नहीं नजर आ रहा, जो मुझे नजर आ रहा है मैंने साफ कर दिया। रूबा कोई सहमी से इत्तेजाज पे शीशी मना रहा है, फैजान भी बैठे हैं अंदर से, वो लो रानिश भी मुस्कुरा रहे, स्प्रे पड़ा हुआ है। मैं नहीं कर रही स्प्रे से, आज तक किसी ने नहीं किया तो मुझे ये अलग चीज लगेगी। कपड़ा हार के साथ मैं नहीं कर रही स्प्रे, कपड़ा गीला करो हल्का सा। लगता है आप सबको सीधी बात नहीं समझ में आती। चाय लेके जा रहे हैं बार बार लोग, मैं चुप रहा, मेकअप हो रहा है मैं चुप रहा, उसमें भी जेल का मजाक बनाया हुआ। मैंने आपको रूल्स दिए हैं, अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे मुझे क्या जरूरत है अपने वादे पूरे करने। आज हर रोज एक फर्द घर से बेघर कर। बादशाह सलामत यहाँ से एंटर हो रहा है, आते ही जो है ना वो यहाँ आते हैं, तो देख पहले दिन से टेबल की भी हालत देख ले। मैं उसको भी बोल देता हूँ, शीशा धो देगा भी। हाँ वो धो के जरा, 6 दिन से नहीं धुला हुआ जुनेद, उसको मैं बोलता हूँ कि शीशा धो देगा। अच्छा वो फिर दोपहर का क्या सीन है फिर? या क्या बनाया कि वो बताओ यार मुझे। बैंगन डालने लगी हूँ आज मैं, मसाले बैंगन हो जाएंगे, डल जाएंगे इंशाल्लाह, खत्म करें ना सब्जी। हाँ ताकि जाया ना हो ना हमारा बैंगन। और मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है जुनेद, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, सुन ले अगर आपको पसंद आती है तो। मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ, प्लीज मुझे फैजान की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैजान मुझे 2 दिन से बहुत प्रोवोक कर रहे हैं।
मैं जब से टास्क जीत के आई हूँ मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या आ गया, उसने यू टर्न मारा है, आई एम सॉरी, लेकिन उसने दोबारा फुफोइज्म को जगा दिया अपने अंदर। मैं खाना बना रही हूँ, मुझे पता है मैंने खाना कब रेडी करना है, मेरा खाना अभी रेडी हुआ है या नहीं, बन गया नहीं बना, क्यों नहीं बना नताशा, मुझे तो शक्ल लग रही है बन गई है, ये डाल दें अंदर। फैजान अभी अभी मुझे पता ना कब वो मुझे प्लीज बहुत ज़्यादा टॉर्चर देते हैं, टाइम कम होता है मुझे, मैं सब्जी खुद काट लूँगी, मुझे फैजान नहीं चाहिए किचन में, बाकी जो है किचन में रहें सब रहें, क्योंकि हमारे पास टमाटर खत्म हो चुके हैं गाइस, तो रात के लिए हमारे पास सालन नहीं है। ओके दानिश भाई, अच्छा कौन आएगा मेरे साथ हेल्प पे, प्लेट्स आगे देते जाएं, प्लेट्स आगे देते जाएं। खाने के बीच में आ गए, अरूबा किधर है यार, ये अरूबा को क्या हो गया यार। तमाशा घर में कोई रूल्स नहीं है, तोड़े जितने रूल्स तोड़ना चाहते हैं तोड़े। माय टीम जाए तमाशा घर से सारा राशन उठा लें। बाथरूम से नेहा और अरूबा का मेकअप और मेकअप रूम से नताशा का मेकअप भी लिया है। सारा मेकअप लेके जा रही है। जुनैद, मैंने कहा था ना ये टास्क है किचन में ज़्यादा लोग ना आए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। हुआ क्या है, किसी ने कोई नेगेटिव बात की है, मुझे तो यही लग रहा है कुछ ये मसला हुआ होगा या कोई हरकत ऐसी हुई है। क्या कोई हरकत ऐसी हुई है, मैं तो कब से पैकिंग कर ली। क्या हुआ होगा यार, देखिए जो मुझे अभी तक समझ में आया है ना, आज दो दफ़ा बजर बजा और किचन में मुझे 100% याद है, लेकिन मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, सबको ये लग रहा होता है कि मैं कोई रिवेंज में हूँ। एक तो ये बड़ा मसला है, मैंने पहले दिन बोला था जिस दिन ये रूल आया था, उन्होंने कहा था क्योंकि आप सब लोग किचन में इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि 45 मिनट्स में खाना बनेगा सब और बाकी लोग बाहर अपना काम करेंगे। मैं उस दिन से कह रही हूँ जुनैद बहुत लोग किचन में आ रहे हैं, फालतू लोग, आज भी कह रही थी मैं खाना बनाते हुए, एक तो ये चीज़ तो बाहर खड़ा होने की, सब किचन में होते हैं, और फैजान तो ज़बरदस्ती आज किचन में खड़ा हुआ था क्योंकि उसने तो मुझसे पंगे लेने शुरू कर दिए हैं मैं परसों रात से, ठीक है। और दूसरा ये कि यार एक निवाला खाया था, दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो बाकी मैंने अगर ये लिपस्टिक रखी हुई है तो ये तो मैंने एहतियात के तौर पे रखी थी, मेकअप लेकिन मैं वहाँ खड़े होके मेकअप नहीं करती मैं उसके बाद से, और कोई मेकअप नहीं करती। आज दो दफ़ा बजर हो जाए क्यों बजर, एक दफ़ा वो कपड़े इस्त्री कर रही थी अंदर, गॉड नोस ये सीन क्या है, सब फट रहा है यार। आज दो एक तो सायरन वो प्रेस कर रही, दूसरा सायरन किस चीज़ पे बजा था, एक और वो मेकअप कर रही थी जब, एक और भी बजा था जिसमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों था वो, नहीं वो तब अंदर रेडी हो रही थी, बाहर सारे आ गए थे, टाइमर खत्म हो गया था, नहीं पहला नहीं। भी अरूबा के लिए बजा था, पहला तो वो प्रेस कर रही थी, एक खाने में वो भी बजा था ना, कर रही थी खाने वाला तो ये मेकअप कर रही थी, रेडी हो रही थी शीशे के आगे थी, अच्छा जब पहला बजर बजा, फिर दूसरा सायरन तब बजा जब वो प्रेस करने लगी थी, और ये वाला तो हमें स्टॉप करने के लिए था ना कि खाना वाना छोड़ दें। ओके थोड़ा सा बेहतर कर लो यार, हर वक्त ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं यार, हर वक्त बस हर चीज़ में नेगेटिव वाइब्स और नहीं, कुछ लोग नहीं थके हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग थके हैं, मैं थक गई हूँ नेगेटिव चीज़ें सुन सुन के, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दिमाग से मुझे कोशिश करती हूँ बस, ठीक है और मैं तो इसलिए गई जाकर मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पे बैठूँ ही नहीं, फिर अगर मुझे
आप भी इस चीज़ का पार्ट बन जाते हो ना, असला ये है। नहीं अब नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं बनी, बट द थिंग इज दैट अगर वहाँ पे किचन में काम कर रहे हैं तो बस फिर वही होता है कि आप अपने में रह लो किसी तरीके से, अपनी कोई बात करो, खुद ही हंस लो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन जी तबीयत एक तो दिमाग अलग, बॉडी अलग थक गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलेंस एंड वीट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको इजाज़त दी, तोड़ें जितने रूल्स तोड़ना है तोड़ें। लगता है कि सबके मुँह पे इस वक्त 12 बजे हुए हैं। क्यों बजे हुए हैं, अंदर चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर। बैठ जाए, बैठ जाए, खड़े हो जाए, लेट जाए, कुछ भी करें, आज तो सब अलाउ किया हुआ मैंने। लगता है आप सबको सीधी बात नहीं समझ में आती। मैंने क्या कहा था, कितने लोग आज घर से जाएंगे? दो से। दो जाएंगे? दो नहीं, तीन जाएंगे। अरे तीन भी क्यों जाएंगे, चार जाएंगे। मैंने आपको रूल्स दिए हैं, अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर भाई मुझे क्या जरूरत है अपने वादे पूरे करने की? मैंने आपसे जो वादा किया वो पूरा किया है कि नहीं किया अभी तक? हमेशा किया। आप लोगों को कल मैंने टास्क दिया, दोबारा दिया, बिल्कुल सर, कि आपको राशन मिले, वरना भूखे होते हैं आप लोग। कदर नहीं आप लोगों को खाने की। चारों खड़े हो जाए आप लोग। आप सबको निकाल दूं मैं? नहीं बताए ना, मैं पूछ रहा हूं। फैजान, दानिश, अली, नेहा, बताएं। सर जो आपको सही लगे। मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है जो मैं अभी करने लगा हूं। निकाल दूं मैं इन सबको? क्यों, कोई एक रीजन बताएं। कुछ इनमें से तो बहुत से टास्क भी करते रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभाते रहे हैं। मैं चुप रहा उस बात पे कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। मैंने कहा चलो ये हल हो जाएगा मसला। मैं चुप रहा कि खाना उठा के बाहर लेगी। मैं चुप रहा उस पर भी, कोई बात नहीं वो भी हल हो जाएगा। मैं चुप रहा टाइम के बाद इस्त्री हो रहे हैं कपड़े। मैं चुप रहा, चलो कोई बात नहीं। वॉशरूम में चाय लेके जा रहे हैं बार बार लोग। मैं चुप रहा। वॉशरूम में मेकअप हो रहा है। मैं चुप रहा उसमें भी। जेल का मजाक बनाया हुआ है। आप किस चीज के वजीर हैं? ये जेल किस लिए थी? सरेंडर डालने के लिए थी। आपने गुड बॉय इमेज देना है अपना? बिल्कुल नहीं सर। वजीर की कुछ जिम्मेदारियां थी? बिल्कुल सर। बाकियों की वजारत में आपने क्या किया जब आप वजीर नहीं थे? आपने देखा नहीं सर। मैं उसमें भी चुप रहा कि आप कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपने कहा ठीक है मैं खुद बर्तन धो लूंगा। कोई कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यस सर हुआ है ये, मैं कर लूंगा। ये मजाक हो रहा है? तो ठीक है फिर आज से मैं बादशाह सलामत अपने रूल्स बनाऊंगा। आज से कोई वजीर नहीं है, सबकी वजारत खत्म। आखिरी हफ्ता अब शुरू हो रहा है और इस आखिरी हफ्ते में कोई भी सेफ नहीं है। आज से हर रोज एक फर्द घर से बेघर करूंगा। तो इसका मतलब आज भी कोई एक ही जाएगा, तो आप चारों में से कोई एक घर जा रहा है। अली, कहना तो नहीं चाहिए, एक वक्त गुजारा है आपने इस घर में। जाते जाते क्या कहेंगे आप? मैं शुक्रिया अदा करूँगा बादशाह सलामत, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत सारी अच्छी यादें लेके जाऊंगा और अपनी बहुत सारी खामियों को समझ पाया, बहुत सारी खूबियों को समझ पाया। सो मेरे लिए तमाशा घर सारी ज़िंदगी एक बड़ा बेहतरीन तालीम का रहेगा। आप बैठ जाए, नहीं जा रहे आप। ये ताली बजाने का मौका नहीं है भाई। किस बात के लिए ताली बजा रहे हो? आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है तो तालियां ना बजाएं प्लीज। ये दिखावा ना करें, ये आवाम है जो रोक रही है इनको। आप लोग का बस चलता तो आप लोग एक दूसरे को पहले ही हफ्ते निकाल देते। नया जी सर, बैग कहाँ है आपका? सर यहाँ सामने। बैग लेकर आए आपका? मैंने एक को दी थी किचन की,
बाकी क्या कर रहे थे उधर? मेरे रूल्स फॉलो ही नहीं किए गए, जो मैंने पहले दिन कहा था कि यार ये चीजें होंगी, आप लोग ने फॉलो नहीं की उसको। जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ वो उल्टा आपको समझाते हैं कि देखें वो ये नहीं हो रहा, ये नहीं धुले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बैग उठाए और जाए प्लीज। सर जाने से पहले कुछ कह सकते हैं? प्लीज कहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के। एंड आई एम सॉरी, मुझसे जो जो गलतियाँ हुई हैं बस वो मैं छोटी मोटी शरारतों में कर रही थी, मैं दिल से नहीं कर रही थी, आई एम सॉरी। जाए। कोई गलती हो तो माफ करना। हाँ इट्स ओके, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुल गया, हिला तो है नहीं? सर वो दरवाजा नहीं खुला सर। तो अगर दरवाजा नहीं खुला तो इसका मतलब ये है ना कि आवाम ने आपके लिए दरवाजे बंद किए हैं। आप सेफ हैं, बैठ जाएं। दानिश फैजान, क्या लगता है कौन जा रहा है आप में से? सर मुझे एक्चुअली कल से ऐसा लग रहा है कि मैं आई माइट गो, लेकिन क्योंकि आपने कहा था दो लोग जाएंगे तो मैं मुसलसल ये कह रहा था कि शायद मेरे साथ कोई और जाएगा, लेकिन दानिश भाई को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि दानिश भाई बहुत अच्छा खेलते रहे हैं हर तरीके से। आप लोग मेरे बनाए हुए उसूल तोड़ते हैं तो मैं आप दोनों को एक चांस देता हूँ, एक दूसरे को कन्विंस करें कि कौन जाएगा इस घर से। अगर मुझे ये कहा गया है कन्विंस करने को तो मैं आपको ये कन्विंस करूँगा कि आप मुझे जाने दें, ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छा खेलें। आप जिस दिन पहले दिन आए थे आप बहुत घबराए हुए थे, कुछ टास्क में आपको ऐसा लगा कि वो टास्क आपको नहीं फिर सूट करती, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझसे बुलवाना था, मैंने कहा कि नहीं दानिश भाई आप छा जाएंगे, और आप माशाल्लाह उसके बाद से आपकी परवाज़ ऊपर की तरफ रही है। तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये कन्विंस करूँ कि आप मुझे जाने दें, तो मुझे बिल्कुल इसमें बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप जीते मैं जीतूँ, एक ही बात है। नहीं मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं, मुझे मालूम एटलीस्ट फाइनल तक क्या होगा। आप जाएंगे? जाएंगे छोटी के लिए खेलें, ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी वाली अभी बहुत छोटी है, समझ जाएगी, समझ रहे हैं? नहीं नहीं करें ना, नहीं करें, नहीं करें सर, आपके हाथ में फैसला है, जिसको भी मैंने फैसला आप दोनों को दिया। दानिश भाई, दानिश भाई और ओल्ड टाइम से नहीं 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 या आप दोनों मान जाएं या खड़े रहें, हो सकता है मैं दोनों को निकाल दूं। चलें, क्या सोच रहे? जो भी फैसला करें याद रखिएगा, कल भी जाएगा और परसों भी इस घर से जाएगा। सर बहुत मुश्किल फैसला, मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि फैजान चले गए या वोटिंग करवा लें। अरे दानिश भाई क्यों दूसरों पे डाल रहे हैं आप यार, उन लोगों की जिंदगी अदाब नहीं करें ना। दानिश भाई कम ऑन, लास्ट टाइम फैजान बताएं। सर मैंने उनको ये कन्विंस किया कि मुझे जाने दें। आपका फैसला है कि आप जाएंगे, दानिश आपका क्या फैसला है? कम ऑन सर, मैं आप दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन जाएगा, जबकि मैंने ये चॉइस दी थी आप दोनों को।
एक को तो जाना है, तो अब मैं वो फैसला सुनाऊंगा जो आवाम ने किया है। और आवाम का फैसला है कि फैजान दानिश आप दोनों बहुत अच्छा खेले, खास तौर से दानिश आप बहुत अच्छा खेले, तो आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। दानिश आप जाएं, अपनी बिटिया से मिलें, घर वालों से मिलें, आपने बहुत अच्छा खेला, वेल प्लेड। थैंक यू सर। आपका सफ़र आज ख़त्म होता है और मैं इतना बता दूं, आप मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। थैंक यू। सबसे पहले वजीर, सबका दिल खुश रखने वाले, गेम में 100% देने वाले, आप पहली बार खतरे के घर में आए। जी सर। सर कुछ कह सकता हूँ? प्लीज। लव यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के, और मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और हम बाहर मिलेंगे। और तमाशा का, भाषा साला मजाक का बहुत शुक्रिया कि जिसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बेटी को बता सकता हूँ कि मैं लड़ सकता हूँ सबसे। थैंक यू। एक दफा आपके लिए क्लैपिंग की। क्या है? सी ऑफ करते हैं। प्लीज सब क्लैप कर दे एक दफा। कहा मैंने अम्मी की बात मान ली। गलती छोटी वहा पढ़ा। क्या प्लीज एक दफा दानिश भाई के लिए सब क्लैप कर दे। एक हफ्ते बाद मिलते हैं। अच्छा हो गया भाई, मिलते हैं। सी यू टू, इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ज़हरा को मेरा प्यार देना। ओके। तोड़े मेरा रूल तोड़े, आप उसको ये काट देंगे। आपने ये नहीं किया। किसने तोड़े? आज वाकई मुझे बहुत दुख हो रहा है कि दानिश इस घर से चले गए। एक ऐसी सोल थे वो, इतनी पॉजिटिव सोल मैंने नहीं देखी। किसी का उन्होंने दिल नहीं दुखाया, बढ़ बढ़ के हर टास्क में हिस्सा लिया, कई बार जीते, काम किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, इस घर को अपना घर समझा, जिम्मेदारी ली हर टास्क की, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। खैर, लाइफ मस्ट गो ऑन एंड तमाशा मस्ट गो ऑन। यही तमाशा है। अब कोई इस घर में सेफ नहीं है। कल भी कोई जाएगा, परसों भी कोई जाएगा। जुनैद,
आज आपकी वजारत का आखिरी दिन था। यस सर। तीन कार्ड्स दिए थे, वो कहाँ हैं? ये कार्ड्स इसलिए दिए थे कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए। यस सर। जो घर के रूल्स तोड़े, मेरा रूल तोड़े, आप उसको ये कार्ड देंगे। आपने ये नहीं किया। किसने तोड़े? सर पहले तो इन्होंने कहा कि मैंने काम नहीं करना। मैंने इनको समझाया भी सही कि बादशाह सलामत ने कहा है कि जो टास्क है आपको असाइन हुआ हुआ वो करना है, जिस पे इन्होंने वो भिंडी भी नाम ले, नाम ले, किसकी बात कर रहे हैं? सर नेहा की बात कर रहा हूँ, जिसमें इन्होंने काफ़ी बहस की। मैंने इनको कहा आप काम कर लें प्लीज़ अपना टास्क। इन्होंने कहा मैं सोच के बताऊँगी। मैंने इनसे फिर रिक्वेस्ट की, कई बार की, मैंने 10-12 बार रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अपना टास्क कर लें, आपकी खाने से लड़ाई नहीं है, आप अपना टास्क कर लें, मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आप बेशक अगर वो ज़बान से कुछ कह रही हैं आप ज़बान से कुछ जवाब दे दें, लेकिन कंट्रोल में एक लाइन। और किसने तोड़ा सर? बाकी जहाँ तक आपने वो टाइमर दिया, ये चाय लेके गई अंदर अपने साथ, मैंने इनको वहाँ जाके इनसे चाय ली। कितनी दफ़ा लेके गई सर? मेरे सामने एक दफ़ा लेके गई हैं, मैंने जाके ली, मुझे पता चला इनके पास चाय है, मैं ली, मैंने सिंक में डाल दी। दूसरी दफ़ा मेकअप का मुझे आइडिया नहीं था कि कौन वॉशरूम में लेके गया मेरे पीछे, क्योंकि मैं गर्ल्स वॉशरूम में नहीं जा सकता, ना मैं इनकी पॉकेट चेक कर सकता हूँ कि किसकी पॉकेट में क्या रखा है। मुझे बाद में पता चला, आज सुबह पता चला इनफैक्ट, कि गर्ल्स जो है अपनी पॉकेट्स के अंदर मेकअप रख के वॉशरूम लेके गई हैं और उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया। तो काम तो रुबा भी नहीं कर रही, उन्होंने भी मना किया आपको? सर बिल्कुल उन्होंने मना किया, आज भी मैंने उनको ज़बरदस्ती टेबल पर, और सर जिसको भी मैं कहता हूँ वो कहती है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। तो पूछ रहा हूँ सर। बाकी नेहा कहती है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने वैक्यूम करना है, इन्होंने टास्क खेला। आइस वाला कहती है मुझे पानी में हाथ डालने से सर्दी लग रही है, मुझे शिवरिंग हो रही है, मुझे बुखार है, मैं नहीं कर सकती पानी वाला कोई भी काम, किचन में मैं नहीं जा सकती बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा तो ये तो रूबा ने भी सिस्टम बनाया, दानिश पानी की बोतल भर दीजिए सर, बिल्कुल ऐसा कॉफ़ी ला दें सर, बिल्कुल ऐसे ही है उनको, उनका कहना है कि उनकी। तो आप एक के पीछे क्यों लगे हमें? सर मैं इनको भी पीछे लगाऊँ, बिल्कुल सर इनके पीछे भी, मैंने इनको बहुत डांटा भी सही, और आज मैंने ज़बरदस्ती, आज मैंने खाना क्यों उठाया? सर ये वहाँ बैठी हुई थी, मैं इनके पास गया हूँ, मैंने बोला आप खाना खा लें आके, क्योंकि इसकी वजह से उठाया मैंने सर, इनकी वजह से उठाया, मुझे पता था, आइडिया था सर। वजारत आपकी ख़त्म, मैं आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म, अब ये कार्ड्स मेरे पास, बिल्कुल सर ये मेरे रूल्स चलेंगे, बिल्कुल सर, और कोई वजीर नहीं, और देखता हूँ कौन मुझे नहीं सुनता, बिल्कुल सर। घर मैं चलाऊंगा, ड्यूटीज मैं असाइन करूंगा, बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा कि क्या करना है, बिल्कुल सर। नेहा और रूबा, 6 घंटे की आप दोनों को जेल है। जी सर। जब मैं चले जाऊं तो इनको जेल में कर दीजिएगा आप लोग। रूबा जी सर, जब तक आप इस घर में हैं सारे बर्तन आप धोएंगी, तीनों वक्त के। नेहा जी सर, जब तक आप इस घर में, खाना आप बनाएंगी। जी सर। मुझे इन दो के अलावा किचन में कोई तीसरा आदमी नजर ना आए, आटा गूंथते हुए भी। एक दूसरे की हेल्प आप दोनों करना चाहते हैं करें, तीसरा आदमी कोई नहीं आएगा। नताशा जी, डस्टिंग आपकी जिम्मेदारी है पूरे घर की जी। अली, फैजान, जुनैद और उमर, पूरे घर की सफाई आप लोग ने करनी है। यस। और अब मैं ये खुद चेक रखूंगा। बिल्कुल सर। कितनी प्राइस मनी बची है सर? 23 लाख। 22 लाख हो गए आप, 1 लाख काट लिए मैंने। जुनैद, दोनों को 6 घंटे के लिए डालें। yes, समझा ही सकते हैं। एक लाख और कट गए, 1 लाख और कट गए। मैं समझा ही सकता था, मैंने बहुत समझाया कि ना करो, ना करें, ना करें। अब मैं वॉशरूम में अंदर तो आके नहीं रोक सकता उन लोगों को। आपके बगैर हंसना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, हंसाना उससे भी मुश्किल हो जाएगा। आप हम सबके विनर हैं दानिश भाई, आपने सबका दिल जीता है यार। आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे।
आपका नाम इस घर में आखिरी दिन तक गूंजेगा, तो मेरा वादा है आपसे। और मेकअप वाला क्या हुआ था? वो बाथरूम में करती है मेकअप, वो लेके गई अपने साथ पूरा बैग मेकअप वाला अंदर वॉशरूम के। नेहा यार होगा, नेहा तो नेहा का तो अंदर ही रखा होता है, उस पर लिखा भी होता है नेहा, कुछ तो देखा होगा ना उन लोगों ने, क्योंकि मैं तो पीछे पीछे नहीं भाग सकता कि आप क्या चीज जेब में क्या रखा हुआ या मेकअप कहाँ लेके जा रहे हो या कहाँ नहीं लेके जा रहे, मैं नहीं देख सकता। हाँ। मैं नहीं चेक कर सकता, मैं नहीं देख सकता कोई वार्डरोब एरिया में बैठ के चाय पी रहा हूँ या वहाँ पे चेंजिंग एरिया में बैठ के चाय पी रहा हूँ। बाथरूम में चाय कौन पीता है? हाँ, वॉशरूम में पी रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता जाके। मेरी तो यहाँ तक की एक है कि मैं यहाँ पे काम करवा सकता हूँ, यहाँ पे रोक सकता हूँ। उस दिन मैंने उसके चाय का कप लेके आया, मैंने उंडेल दिया आके सिंक के अंदर कि आप टाइम के बाद नहीं पी सकती। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, इट्स नॉट मतलब ये बीइंग कोई ग्रज मैं निकालना चाह रही हूँ, ये एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि यही बोलती है ना रूबा कि मैं तो दोस्तों की दोस्त हूँ और इस गेम में भी मुझे अपने दोस्तों की टेंशन है, मैं अपनी गेम भूली हुई हूँ, साफ बात है। तो अब ये आपकी दोस्त है, आपका इसने कितना एहसास किया है कि मेरे वजीर पे, मेरे दोस्त पे, वजीर पे बात ना आए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं। मैंने ये बात उसके सामने भी की है और मैंने कहा कि सिर्फ खाने छुपाने के लिए दोस्ती है बस। मैंने यही कहा उसको, मैंने कहा कि मैं तो देखता हूँ, अगर आप दोस्त होते तो मैं तो देखता हूँ आप लोगों की तरफ कि आप लोग से सबसे पहले आगे आओगे कि यार आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, हम लोग सब देख लेंगे। अली वजीर बना था ना, अली ने हमें जो बोला हमने किए, चाहे वो किसी और के हिस्से का काम, मैंने दो दफ़ा कहा, एक नेहा के हिस्से के बर्तन धोए अली के कहने पे, एक अरूबा के हिस्से का खाना बनाया अली के कहने पे कि यार हमारा दोस्त भी है और हमने ही वजीर बनाया, इस पे बात ना आए। और आपने मुझे, हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी जी, ठीक है, बीच में इख्तलाफात भी हुए हमारे, इख्तलाफात, आपने मुझे कहा आपने बर्तन धोने, आपने धोए, नेवर, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये, आपने पूरी की है, मैं घर पे भी हूंगा, अगर मुझे कोई चीज होगी मैंने आपकी तारीफ भी की थी इस मामले में, मैं करता हूँ और मैं पहले दिन से करता आ रहा हूँ, जो चीज मुझे साइन होती है मैं कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आपने अपने माशाल्लाह अभी तक हर वजारत को पूरे किए, बैठ के चिल कर सकता था, मैं बैठता टांग भी टांग रखता, लेकिन आपने दूसरों के हिस्सों के जो काम खुद करने शुरू कर दिए ना, ये भी तो गलत था यार। एक कार्ड है ना कि मैं बीमार हूँ, वो एक दिन था, अगले दिन तो डांस कर रही थी, तो अगले दिन मैंने उससे पूछा था टास्क की बर्फ वाला, उसने कहा मुझे शिवरिंग होती है, मैं पानी में हाथ नहीं डाल सकती। अब मैंने कहा मैं इसको जबरदस्ती कराऊंगा, फिर ये कहेगी किसने मेरे साथ जुल्म कर दिया, बहुत जुल्म किया इसने मेरे साथ, दूसरी की तबीयत आज सुबह से खराब है, मैं उससे काम कराऊंगा, वो कहेगी मेरे साथ जुल्म कर रहा है ये, देखो मेरी तबीयत खराब है ये काम करवा रहा है मेरे से, मुझे तो नहीं पता कैमरे में जाके ये क्या। ऐसे तो जुनेद इस घर में जब से कुछ लोग आए हैं वो तो बीमारी चल रहे हैं पहले दिन से। अब मैं कैमरे के सामने, मुझे नहीं पता वो लोग क्या जाके लिंक देते हैं, क्या बोलते हैं, तो मुझे तो नहीं पता ये क्या। मैं तो एक मतलब के ख्याल के अंदर मैंने उसका किया, नेहा ने कहा मुझे शिवरिंग होती है भाई मैं वैक्यूम कर लूंगी, मैंने कहा वैक्यूम था ना मुश्किल काम है, समझाया उसे, नहीं 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 आप मुझे वैक्यूम दे दें। किसी का बुरा करके ना आप अपनी अच्छी की उम्मीद नहीं कर सकते, और जितनी ये बुरी हरकतें करती है ना ये आज सिर्फ इसकी वजह से। मैं चाय अभी नहीं लेके जा रही क्योंकि मैं वॉशरूम भी नहीं लेके जाती मैं वहाँ, और अब अगर वो मना करते तो मेरी मजालती मैं लेके जाती। और इसने आके बोला ठीक है, और मैं बोल के गई थी कि टाइमर ख़त्म हो तो आके मुझसे कप ले लेना, तुम्हारी मेकअप वाली बात इसने आके बोली कि नेहा मेकअप लेके जाती है क्योंकि इसको हर किसी में टोक करनी है, ये लड़ाइयाँ नहीं करती, अपनी से लड़ाइयाँ कर रहे क्योंकि हम थक गए हैं, ये नहीं थकी। ही मेरी गलती है, जल्दी जल्दी में मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरी गलती है मुझे। और मेकअप एक दफा सुबह हो रहा है ठीक है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही ठीक है, हम तो कोई किसी की शिकायतें नहीं लगा रहे यार, घर है ठीक है, रूल्स है ओके, मेकअप बाल नहीं बनाने, मेकअप नहीं करना ठीक है ओके फाइन। एक दफा चाय ले गई ठीक है, आगे खुद बोलती है रूबा टाइमर खत्म हो गया ये चाय मैं ला के किचन में रख देती यार, मैंने कौन सा पी लेनी थी, मैं आई एम नॉट टी लवर यार, सुबह मैंने चाय नहीं पी नाश्ते में क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं पीनी थी, मैंने नहीं पी। अरूबा की वजारत थी अली भाई, 7 बंदे लाओ थे, हम लोग हारे थे जब लग्जरी राशन मिला था और उसके साथ ये कहा गया था कि 7 लोग काम नहीं करेंगे। अरूबा
का वीक था वो एज अ वजीर. हम लोगों ने सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी. ये भी खड़ा हुआ है, किचन में भी खड़े, मैं भी खड़ा हूँ अलिफ की तरह, काम कर रहे हैं हम सारे. ये होता है दोस्ती निभाना. दोस्ती अपने काम में निभाओ, बिल्कुल इन चीज़ों में दिखाओ. ये थोड़ी कि आप फायदा उठाओ, ये थोड़ी कि आपसे कोई जरा सा डांट दिया आप नाराज होकर बैठ गए. अरे यार मैं तो दोस्तों के लिए करती हूं. डांटा था, नाराज हो गई थी, नाराज हो गए फिर आप बात ना करो, ये तो वो ये तो नहीं. फिर वो कहती है ना मैं तो जो भी करती हूँ अपने दोस्तों के लिए करती हूँ. यार ये क्या है? अरे क्या दोस्तों के लिए करती है? जब भी खाना छुपाने की बात आई है उसने नारा लगाया मैंने तो अपने दोस्तों के लिए छुपाया. वो एक एक बाइट खिला दी वो दोस्तों के लिए. डिसिप्लिन से चलो, डिसिप्लिन से चलो अपने घर में. घर का उसूल है डिसिप्लिन से चलो. टास्क मिला है, जो टास्क वो देखे गए हैं यार हमें. अब चुपचाप उठ के चले गए जेल में जब उन्होंने कहा 6 घंटे की जेल है. वो कहते ना फिर शोर पड़ जाता. वो बोला उसने मेरे कान में, वो किस चीज़ की, मुझे किस चीज़ की हो रही है? बोला मैं तो कुछ भी नहीं कहा. मैंने कहा बोलो ना फिर, सवाल पूछो मुझे किस चीज़ की हो रही है. आज उन्होंने क्यों मुझे कहा आपको पता ना क्यों ये मैंने खाना नोट पाया? क्योंकि मैं अंदर गया हूँ, वो बैठी हुई थी बैग के पास. मैंने कहा अंदर आके खाना खा लें प्लीज़. मैंने ऐसी बात की है, मैंने कहा अंदर आके खाना खा लें, खाना तैयार है, कॉफ़ी भी तैयार है आपकी, मुझे नहीं खाना. मैं चुपचाप आ गया. नाराज हुई मेरी? मैंने डांटा था ना. अभी वही तुम बोलते थे ना कि यहाँ से उठो, ये वार्डरोब रूम में नहीं, बाहर आके बैठो. यहाँ पे आइए मेरे पास. मैं अकेला बैठा हुआ था, मुझे दूध का आधा गिलास चाहिए. मैंने कहा जाओ जो मर्जी करना कर लो. जाने लगी, मैंने कहा दूध को हाथ नहीं लगाना. मैंने कहा एहसास नहीं है बिल्कुल भी. मैंने कहा अभी चाय बनानी है, सुबह चल चाय बनानी है, परसों दोपहर में चाय बनानी है. मैंने कहा एक जिद में तुम लोग बस जो दिल चाहे तुम लोग कर लो. हाँ बस फारिग कर दो राशन. मैंने नहीं सोचा था कि वाकई में अब मुझे सजा मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से हर चीज़ सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं गलत थी, मेरी गलती थी, मैंने वाकई में गलती की. आइंदा मैं कभी बाथरूम में मेकअप नहीं लेके जाऊंगी, कभी वेरी ऑनेस्ट कभी भी नहीं लेके जाऊंगी. हमने एक वक्त में आज एक डबल रोटी खत्म किया है. आटा 15 किलो, 5 किलो है, 150 15 kg, 150 ठीक है. चीनी 1 किलो, 10 चीनी, 10 kg, हाँ नहीं 1 kg ना, एक एक चाय की पत्ती 1 किलो, 80 पत्ती, कीमा करना है पत्ती 80 पॉइंट, दूध 2 किलो 20 का है तो पहले वो एंड में लिखते हैं. दूध बताइए कितना हमें चाहिए. 10 लीटर, 10 लीटर के पैसे बताएं. हाँ 200 ओके. कीमा बताएं यार, सवैया एक नहीं, सवैया चिकन कीमा, चिकन कीमा 1 किलो लिखो. कितना मंगवाना है? एक कीमा नहीं ना, 6 यार प्लीज, पीनट बटर जरूर मंगवा लेना प्लीज. चार सौ ग्राम यहाँ कितने का आएगा बटर का? 80 का, 80 80 है ठीक है. अब कितना हो गया? अब दोबारा गिनते हैं. फ्रूट्स काटे मैंने खाली, दोबारा अब यहाँ से गिने फिर 150 160. घर से बाहर नहीं निकाले, जेल में है, कम से कम जवाब तो दे देना. क्या हुआ है? अब से पूछ रही हूँ. क्या आवाज नहीं आई? बजट कर रहे थे. पीनट बटर लिखा है, पीनट बटर लिखा है, पता नहीं शायद उमर से पूछे यार. हाँ मेरी छोटी छोटी पीनट बटर का दुख पड़ा, ऐसी करते हैं शायद. लिखा है, लिखा है, लिखा है. वो तो ऐसी भाषा चला मैंने बोला तो सब आगे झूठे मुंह मिले. मैं कह रहा हूँ दोनों का यही गिला था यूजुअली कि मुझे किचन नहीं. अब आपको मिल गया ना किचन, और उन्होंने साफ कह दिया कोई किचन में नहीं जा सकता. अब करें आप किचन, मैं देखता हूँ कितना किचन होता है. देखिए दूर से बैठ के ना हर चीज बहुत आसान लगती है. हाँ, दूर से बैठ के हर चीज बहुत आसान लगती है. ट्रू. अगर अब भी नहीं समझे, अभी भी अगर आप जेल में रोते हुए पूछ रहे हैं कि मेरा पीनट बटर आया कि नहीं आया, तो मैं पता नहीं ये कौन से कुमाश के लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है. मतलब मैंने कहा ना कल 3-4 दफ़ा मुझसे पूछा कि मैंने कहा भाई सब समझ आ गए, मुझे ये लड़की नहीं समझ आई आज तक. अभी आप जारो कतार रो रहे हो, वहाँ से आवाज़ देकर कह रहे हो कोई लिख रहा है मेरा पीनट बटर नहीं लिख रहा, मुझे बता दे. यार मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा मैंने लिख दिया है तो आप मुझे बताएं तो सही. मैंने कहा भाई मैं लिख रहा हूँ, एक बज़र चल रहा है, एक टाइम आ जाएगा, बज़र बज जाएगा तो मैं पहले मैं लिख के बता गया हूँ, बताने आऊँ आपको कि जी मैंने आपका पीनट बटर लिख दिया, ठीक है जाऊँ वापस. मैं लिख रहा हूँ भाई, 7 लोगों की ये आसान काम नहीं होता लिखना, इस पर एक प्रेशर होता है आपके ऊपर.
सात लोगों का राशन है, बहुत प्रेशर होता है, मैं कोई चीज मिस कर दूंगा मेरे गले में आ जाएगी कि फैजान ने नहीं लिखी है, टाइम लिमिट बहुत कम, मुझे इस चक्कर में पॉइंट्स याद हो गए, जस्ट बिकॉज़ एक सजा के मिल गए सबके रवैये चेंज हो गए, कोई कोई पूछने भी नहीं आया है, सीरियसली क्या क्या देखना बाकी रह गया अब इस घर में, सब कुछ तो देख लिया है लेकिन अभी जीत बाकी है, इंशाल्लाह सीजन टू जीत के जाएंगे बस। आप पहले दिन से मेरे लिए बुरा करती आ रही हैं, मैंने जवाब में एक दफा रूबा के लिए बुरा नहीं किया, रूबा ने मेरे साथ बड़ा कुछ करने की कोशिश की, अब देखना मैं क्या करती हूँ। आप पहले दिन से मेरे लिए बुरा करती आ रही हैं, मैंने जवाब में एक दफा रूबा के लिए बुरा नहीं किया, एक दफा रूबा ने मेरे साथ बड़ा कुछ करने की कोशिश की जो मेरे सामने भी आया, कुछ चीजें मेरे सामने नहीं आई बाद में पता चलेंगी, लीव इट। मैंने जवाब में एक दफा अपने किसी दोस्त को कहा हो कि रूबा ने मेरे साथ ये किया, अब देखना मैं क्या करती हूँ, या रूबा ऐसी है तो रूबा वैसी, आपने खाने चोरी की है वो सबको नजर आया, मैंने आपको चोर नहीं बोला, इसका प्रॉब्लम क्या है? अभी तो इस पूरे वीक में मैं इसके साथ हस्ती खेलती रही हूँ, आप मेरे मुंह में आके निवाले डाल रही हैं, खीर के, शीर खुरमे के, कभी आप चॉकलेट ला के मेरे मुंह में डाल रही हैं, आप मेकअप रूम में मुझसे कह रही हैं मुझे नेल पॉलिश चाहिए, नताशा मुझे लाइनर चाहिए, नताशा मुझे हेयर ब्रश चाहिए, नताशा मुझे फ्लां चीज़ चाहिए, पता नहीं क्या क्या, यू नो मैं आगे से प्यार मोहब्बत में कह रही हूँ ओके अरूबा, आप मुझसे बैठ के गप्पे मार रही हैं और आपको मुझसे वही की वही दुश्मनी है। अब ये देखो मैं आवाज़ दूंगी, मुझे फुल इग्नोर करेंगे, एक्टिंग करेंगे, जुनैद, जुनैद जी, जुनैद सुन लिया, वाओ नाइस, शुक्र खुदा का, इधर आए, बोले इधर थोड़ा सा करीब आए ना, मुझे चीखना पड़ेगा, जुनैद एनर्जी लो हो रही है, बीपी लो हो रहा है, खाना नहीं खाया है, खाना किसी ने भी नहीं खाया है, अरूबा को वॉशरूम जाना है, मैं अपने काम से नहीं बुला रही, मेरी और नेहा की दोस्ती अली ने करवाई थी और मैंने जब दोस्ती की तो मेरा प्रॉब्लम है मैं जिसको दोस्त कह देती हूँ ना मैं फिर उसको शदीद ही मार्जन देती हूँ, जो मैं अभी तक दे रही हूँ उसको, बहुत कुछ सुनाती है मुझे, मैं चुप हूँ कि यार मैंने तो बोल दिया था ना कि मैंने दोस्ती की है, अब नहीं भी रखनी लेकिन मुझे नहीं करना, इसके लिए मैंने अपनी वजारत में क्योंकि इसके लिए इस देखा भी और जो सच्ची बात है कि ये सही से खाना नहीं खा पाती थी, प्रेशर में हो गई या क्या था खाना नहीं खा पाती थी, इसका ग्लूटन फ्री आटा और ये वो फलाफला, तो अपनी वजारत में मैंने जो इसके लिए किया एज फ्रेंड भी एज वज़ीर इंसाफ के साथ भी कि यार ये पिछले चार हफ्तों में ये सही से नहीं खा सकी, अब ये पूरा हफ्ता सही से खाए, बाकी सब ने भी खाया है, उसने जब मैंने दोस्ती में मेरी दो हफ्ते की दोस्ती जब उसने मेरे ही मुंह पे ला के मारी ना मेरी वजारत के आखिरी दिन, मैं तो उस वक्त से पहले तो वोट मैं शदीद टेंस चल रही थी, मैं हर्ट हुई हुई थी कि यार ये क्या कर रही है, यार ये यहाँ से क्यों नहीं सोचती, ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, एक दिन हुआ जेल में डालने का गुस्सा हो गया, दो दिन हुआ तुम दोस्ती तुम बिल्कुल ही ट्रैक से हट जाती हो, एक तो मैं हर्ट थी बकायदा हर्ट चल रही थी इसके ऊपर, मैं अभी तक हर्ट हूँ उसके ऊपर, रूबा बाजी ने पूरे छः दिन मुझे दोस्ती दिखा के कल नई तरीके से दुश्मनी निकाली। बहुत जदीद भूख लगी हुई है, कुछ खिला दे प्लीज, प्लीज एक वक्त का खाना खिला दे, कहती गो प्लीज, रोटी दे दो प्लीज। मुझे उसकी कोई बात गलत लगती नहीं, सिर्फ आप भाई दी हैं इस घर में, हाँ, जिसको नहीं बुरी, भाई देखो हर बंदा यहाँ पे अपने हिसाब से गेम खेल रहा है, हर बंदा अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, किसी का पड्डा हो जाता है, कोई गा के करता है, कोई जा के करता है, वो ऐसा करती है, नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरे बराबर में घड़ी भी रोटियां बना रही है, वो इतना मुझ गारी थी ये, वो उसके बाद मेरी आंखों में मिर्चें लग रही हैं यहाँ से भी, वो ही बोल रही माय रोटी उमर मारो, हाँ तो कान में लग, फिर मैं यूं हो रहा हूँ, हाँ कान में आके बोलती हैं, किचन के काम करे मैंने, हाँ रोटी वोटी भी जो करना था वो भी कर रही थी मैं, वो मैं रोटी अकेले भी कर सकती हूँ, आई डोंट माइंड, उसमें और ज़्यादा भूख लग रही थी उस वक्त, मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं भूखे रहे हुए, और मेरा दिमाग, दुआ करें बस मेरे लिए प्लीज़, आप लोगों की दुआएं मुझे बचा सकती हैं, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं करें बस। दानिश भाई यू हैव नो आइडिया हाउ मच वी आर मिसिंग यू, नो डाउट फील्स लाइक कि आप हर जगह पर जो है ना
वहाँ से चलते हुए आते हैं, यहाँ से निकलते थे। दानिश भाई होते तो अभी उनको बाहर भी भेजते, अंदर भी आते, उनका कोई माइंड भी नहीं करता था। उनकी कोई ना पार्टी थी ना कोई एक खास दोस्त था, उनके सब दोस्त, वो हर बंदे के सेकंड एक दानिश भाई थे। उसने फिर भी अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की है। अरे नहीं भाई, यहाँ कोई आपने लेकिन उसने आप पॉकेट में मेकअप वाली बात पे आ गए थे, क्योंकि पॉकेट में लिपस्टिक मैं रखती हूँ। मैंने नहीं देखा, मुझे तो पता आपको लेकिन बताया गया था जुनैद, क्योंकि पॉकेट में लिपस्टिक मैंने रखी हुई थी आज। नहीं, मुझे तो ये लोग मेकअप जेबों में रख लेके गए, मुझे ये सुनने को मिला था कि ये लोग लड़कियां जो है ना। कहाँ से सुनने को मिला था? जहाँ से भी मिला था, लेकिन मुझे ये सुनने को मिला था, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, ना मैं आपके पास आया ना मैं उसके पास गया, मैं किसी के पास नहीं आया, मैंने किसी से बात तक नहीं की ये वाली। मैंने कहा मैं गर्ल्स वॉशरूम में जाके चेक नहीं कर सकता, अब जो चला गया मैं कैसे जाके किसी को बोल सकता हूँ, इल्जाम लगा सकता हूँ कि आप लेके गए, आप लेके गए। वो गए, हमारे तो पहले से पड़ा हुआ है, आप होते कौन हो वही बोलने वाले। मैंने किसी से सवाल भी नहीं किया, ना मैंने रूबा, यही आपने गलत किया है, ना मैंने नेहा से किया ना मैंने आपसे किया। आपको करना चाहिए था कि मेकअप ला के बाहर रख दें बस, और तो कुछ नहीं करना था। दो बैग्स बातों में मैं बोलता ना कितनी को टॉयलेट इतना सला के रख देती, ला के रख दी। अगर कोई बोलता ये देखिए फिर बीच में बोलती हैं, ये देखें ये हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, वो एक नया फसाद था। किस चीज़ में? और जैसे मैं कहता ना मेकअप बाहर ला के रख दें, अब मुझे तो नहीं पता ना अंदर कितना मेकअप रखा हुआ है। ऐसे ला के रख दें, ये लें जी मेकअप आ गया। अब कोई बोले मुझे यहाँ रोबा को कह देते हैं कि जाके देखिए उन्होंने पूरा सामान अपना उठाया या नहीं उठाया, इनको भेजते, क्या हो गया। 110% नताशा को भेजते, ये क्या बात है, एक एक चीज बाहर आती। मेरी सजा माफ कर दें बादशाह सलामत प्लीज, मैं 6 घंटे से भूखी हूँ प्लीज, बादशाह सलामत बाकी मैं हूँ प्लीज, माफ कर दें बादशाह सलामत, माफ कर दें प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कभी जिंदगी में मेकअप कहीं इधर उधर नहीं लेके जाऊंगी प्लीज, सॉरी। और अगर कल से तूने मेकअप लगाया, ऐसे ही क्वेश्चन मेरे दिल में आया, जोर से बोले जरा। मैंने कहा अगर तूने फिर मेकअप लगाया तो? सिर्फ मेकअप रूम में। देखा, गुंजाइश तूने हर चीज में रखी होती है। कहाँ गुंजाइश रखी हुई है, मेकअप रूम में तो नहीं मना किया उन्होंने। अली क्या हो गया, भूख में पगला गए आप? अस्सलाम सर। अस्सलाम। अस्सलाम सर। ले आओ। चलो। यार भाई ज़ैप ऐप पे। अली भाई। फिनाले जी। अली भाई। क्या हो गया बेटा? फैजान को बुला लीजिए कब्ती। जितनी आपने वोट मांगने में मेहनत कर ली है ना, इतनी टास में की होती ना। ये तुम्हारी आवाज भी आई है पता है? क्या? ऐसे चिक चिक की। मतलब वो जो कोई चोट वोट लगी होती ना तब। थैंक यू। मैंने कभी देखा नहीं आपको काम करते हुए। नहीं, सुबह मैं ही गाता गुनगुनाता सफाई कर रहा होता हूँ बादशाह सलामत। खैर, मैंने इन दोनों को जेल में डाला 6 घंटे की, फिर भी मैंने 2 घंटे पहले निकाल लिया। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, थैंक यू मुझे ना कहें, थैंक यू शख्स को कहें कि जो यहाँ से चला गया, वो जाते जाते कह के गया कि प्लीज़ इनको छोड़ दें। वो अब गया और फैजान उससे जब पूछा कि आपको जब चांस था क्यों नहीं किया, ये कहता मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता था अपने ज़मीर को कि अगर ये मैं कर लेता। वो मालूम यहाँ क्यों रहना चाहता था, उसने घर बना के देना अपने बच्चे को। सर मैं बेसिकली उनका एक कॉज जानता था, इसीलिए मैं उनको कन्विंस कर रहा था। खैर, वो तो चला गया। एनीवे, आप सबको क्या लगता है, इन दोनों को मैंने सही डाला जेल में कि नहीं, और ये क्यों डाला, पहले ये बताएं डाला क्यों है? सर मेरे ख्याल से सही डाला बिल्कुल। और डाला क्यों डाला? सर एक चीज़ जब मना है, रूल्स जो हैं वो सबके लिए हैं, तो वो चीज़ बार बार एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, वो रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है। आपको बार बार ये समझाया जा रहा है, और बार बार आप चाय का कप बाथरूम लेके जा रही हैं, कितनी दफ़ा गई हैं आप? सर कई दफ़ा, लेकिन मुझे किसी ने मना नहीं किया। मुझे नहीं किया मना?
जी जो मुझे जुनेद ने आके बोला था उसके बाद सर मैं नहीं लेके गई हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर मना किया जा रहा है तो इसका मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है, और माफ़ी जब मांगी जाती है ना नेहा तो दिल से माफ़ी मांगी जाती है, ये मजाक नहीं बनाया जाता। सर मैं दिल से माफ़ी नजर आ जाता है नेहा कि क्या मजाक हो रहा है, क्या ये कैमरे की आँख ना बड़ी सेंसिटिव है, ये एक्चुअली वो दिखाती जो आप हैं और वो भी दिखाती है जो आप बनना चाह रहे हैं। खैर ड्यूटी मैंने असाइन कर दी आप लोगों की, मुझे कोई घर में किचन के अंदर खाना गरम करता हुआ नज़र ना आए, किचन में मंडलाता हुआ नज़र ना आए, ये इनकी जिम्मेदारी है। खैर अलार्म बजेगा, स्क्रीन पे टाइम आ जाएगा, उस टाइम को फॉलो कीजिएगा, और इस दफ़ा याद रखिए आप सब लोग कोई वज़ीर नहीं है, आखिरी हफ्ता है, कोई सेफ नहीं है। एंजॉय, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कहीं नहीं जाते आप अंडे, दर्जे अंडो का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं जाते कहीं क्योंकि सब कुछ है, अंडे हमने कितने मंगाए यार, ये कितना तुम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58
वो सामने। रूपा आ जाओ, टाइम शुरू हो गया। आ गई आ गई रूपा। छुरी कहाँ है? कोई बात नहीं, उनको बाहर जाके गेम के बाद चल 5-6 दिन की बात मिलना है ना। नहीं था कॉज, मुझे पता था ना उनके कॉज का कि क्यों मैं यहाँ पे। वो उन्होंने बहुत बार शेयर किया मेरे से। मैं तुम्हें क्यों लगता है मैं क्यों कन्विंस कर रहा था? मैंने उनको यहाँ तक कह दिया कि मुझे आपका कॉज पता है, मान ले वो ज्यादा बड़ा कॉज था, लेकिन वो जवाब भी फिर ऐसा देकर गए कि I know the love between daughter and father or... Yes. वो कैमरा भी हैरान है किचन आज इतनी जल्दी साफ। हाँ, साफ किचन देख के सकते में चला गया। कैसे हो गया? फौरन साफ हो गया। ब्रो रूपा के हाथ में कुछ सलाख होगी और नेहू बेहोश पड़ी होगी। बंद होगी अगले हफ्ते से इसको कर। ये लो फिर। क्यों अगले हफ्ते? अभी अगले हफ्ते, अभी से, आज से, अभी से चाहिए। आज से, अभी से अली सिकंदर को वोट करें। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइड पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलन्स एंड वीट।